ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बधाई देने पहुंचे योगी आदित्यनाथ की पीएम ने पीठ थपथपाई। ये किसी के लिए भी गर्व की बात होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं, क्योंकि ये कामयाबी के लिए नहीं बल्कि सांत्वना के लिए पीठ थपथपाई गई। संसद के संविधान सदन में मोदी की गूंज थी। वो तीसरी बार संसदीय दल के नेता चुने जा रहे थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा शायद कुछ और ही कह रहा था, क्योंकि बीजेपी की एक कामयाबी और चार चांद आती जब यूपी से उसको कुछ और सीटें मिलती। लेकिन हुआ है उल्टा। इस चुनाव में बीजेपी पिछले आंकड़े 62 से करीब आधे यानी कि 33 सीट पर सिमट गई, वहीं सहयोगी भी महज 3 सीट ही हासिल कर सकी। यूपी में बीजेपी के हार की समीक्षा जारी है, प्रदेश अध्यक्ष रिपोर्ट बना रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। बैठक आज सुबह 11 बजे लोकभवन में होगी। लोकसभा चुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी, जिसमें मंत्रियों के विभागों की समीक्षा की जाएगी। सीएम लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। नतीजों के बाद यूपी में हार की समीक्षा की बात हर स्तर पर हो रही है। भले ही केंद्र में लगातार तीसरी बार बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनने जा रही हो, लेकिन यूपी से मिले झटके से पार्टी उभर नहीं पाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी और योगी जी सरकार, एक और विकास, गरीब योजना, इतना महत्वपूर्ण और निर्णय लेके आगे बढ़ने के बावजूद भी कहाँ कमती हुई, उसके बारे में तो ज़रूर विश्लेषण होगा। कहाँ कई सांसदों के खिलाफ भी कुछ माहौल बना, ऐसा भी कुछ सुने आता है, मगर पूरा स्तर पर विश्लेषण तो होना चाहिए, विश्लेषण ज़रूर करेंगे। सवाल ये है कि जिस उत्तर प्रदेश में एनडीए का टारगेट 80 में से 80 सीट का था, वहाँ बीजेपी आखिर 33 सीट पर क्यों सिमट गई? नतीजों के बाद पार्टी में कई तरह के सुर सुनाई दे रहे हैं, तमाम वजहें बताई जा रही हैं, पार्टी में भीतर घात तक की बातें की जा रही हैं। विकास पिछड़ गया और जातिवाद आगे आ गया। आप देखिए अयोध्या में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो कितने बड़े पैमाने पर हुआ। आज अयोध्या के सूरत और सीरत सब कुछ बदल गई। आप देखिए एक तरफ विकास है और एक तरफ जातिवाद है, तो ये अपने आप में क्या शो करता है। केवल पूरी साजिश हुई है, समाजवादी पार्टी के अधिकारियों ने पोस्टिंग करा ली थी अपनी। यूपी पूरा भाजपा का गढ़ है, सब बेनकाब हो जाएगा, सबकी जांच होगी, जिन्होंने गड़बड़ की है, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, और मैं जो पार्टी के लोग थे वो हमें पता है, वो भी हम बता देंगे, हाईकमान को बता देंगे। यूपी के मंत्री और बीजेपी विधायकों के साथ साथ सहयोगी दलों के नेता भी यूपी में बीजेपी की कार्यहार पर सवाल उठा रहे हैं। संविधान को डरा कर जैसे भय पैदा करके वोट दिया गया, उनको भ्रम पैदा करके वोट दिया गया, और ये पहला एक तो कारण ही रहा। दूसरा आत्मविश्वास बहुत हो गया था, जीत रहे हैं 400 जीत रहे हैं, उसमें एक नहीं जीतेंगे तो उदासीन और निष्क्रिय हो गए, और कुछ जगहों पर आपस में जो है तालमेल नहीं मिला इसके वजह से। यूपी में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीटें न मिलने की वजहें तलाशी जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार मंथन कर रहे हैं। उम्मीद है कि मोदी सरकार के गठन के बाद केंद्रीय नेतृत्व भी इसकी समीक्षा करेगा।